वर्डप्रेस से किस किस्म की वेबसाइट बनाई जा सकती हैं? वर्डप्रेस की शुरुआत एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे हुई, जिसका मकसद ये होता है कि आप उस पर किसी भी किस्म की पोस्ट जब चाहें टाइटल, टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह के साथ अपलोड कर सकें और वो पूरी दुनिया आपकी वेबसाइट को विज़िट करके देख सके। उसके बाद वर्डप्रेस का इस्तेमाल अक्सर होने लगा कंपनीज़ की ब्रोशर वेबसाइट्स और प्रोफेशनल्स की पोर्टफोलियो साइट्स के लिए। ब्रोशर साइट्स उन्हें कहते हैं जिनमें किसी कारोबार के बारे में मालूमात मौजूद हों और किसी किस्म का मालूमात के अलावा फ़ीचर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई फॉर्म हो जिससे उस कारोबार के साथ राब्ता किया जा सके, लेकिन उसके अलावा उसमें सिर्फ और सिर्फ उस कारोबार के बारे में मालूमात हों। पोर्टफोलियो साइट्स भी ब्रोशर साइट से मिलती जुलती होती हैं, जिसमें किसी प्रोफेशनल का या किसी कारोबार का पोर्टफोलियो होता है जो वो अपने मुस्तकबिल के क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस से ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने का रुझान शुरू हुआ और अब वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, जो बताते खुद वर्डप्रेस नहीं है लेकिन वर्डप्रेस का ई कॉमर्स प्लगइन वूकॉमर्स के नाम से जो बहुत मशहूर है, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इवेंट्स और पॉडकास्ट्स वाली वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस से काफ़ी बनाई जाती हैं और उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए वर्डप्रेस में काफ़ी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें से लर्न डैश, लिफ्टर LMS और ट्यूटर LMS सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा डायरेक्टरीज और जॉब पोर्टल वेबसाइट्स, इनके लिए भी वर्डप्रेस काफ़ी इस्तेमाल होता है और अब गुज़श्ता कुछ अरसे से वर्डप्रेस का सोशल मीडिया साइट्स के लिए भी इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मेरे खुद चंद रीसेंट प्रोजेक्ट्स वर्डप्रेस के इस्तेमाल से सोशल मीडिया साइट्स बनाने के ही थे। तो ये तो सिर्फ चंद मिसालें थीं, इनके अलावा भी वर्डप्रेस के इस्तेमाल से बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं।